हेलो बच्चों, अब तक आप लोगों ने लास्ट वीडियो तक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आप लोगों ने समझ लिया था कि पिछले चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और आपको मैटर के बारे में कितना कुछ जानकारी इकट्ठा करना था। आप लोगों ने मैटर के बारे में जाना, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में जाना। आप लोगों ने यह भी देखा कि सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटीज के थ्रू समझने का प्रयास किया कि मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है वो किस तरह के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। आप लोगों ने वहां पर यह भी पढ़ा कि मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है उसमें इंटर कन्वर्शन कैसे होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, फिर वापस उससे। आप लोगों ने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा जो बिल्कुल यूनिक एक तरह का प्रॉपर्टी था। आप लोगों ने यह भी समझा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को प्रभावित कर सकते हैं। आप लोगों ने लैटेंट हीट के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आप लोगों ने इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स को बैक टू बैक खत्म करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि मैटर से रिलेटेड आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं या आपके माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होने वाला है उसका आंसर आप कर पाइएगा, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर जो है ना, पहला क्या है, बेस है, मैटर के बारे में आपको जानकारी मिला, अब उसके ऊपर आपको खड़ा होना है, आपको और नई जानकारी को इकट्ठा करना है। तो हम अब दूसरा चैप्टर आज से करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि हम चैप्टर का नाम देख रहे हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, इससे साफ पता चलता है कि हमें यह पढ़ना है इसमें कि मैटर कैसे, कौन से फॉर्म्स है ना, या ऐसे कौन से मैटर है जो हमारे आसपास में जो पाया जाता है ना वो प्योर होता है। या हम ऐसे भी इसको सिंपल कह सकते हैं कि हमारे आसपास में अगर 100 तरह के मैटर अगर एग्जिस्ट करते हैं तब उनमें से कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर है, इसका जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास में मिलियन ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही है ना, हमारे आसपास में लाखों तरह के मैटर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे चारों ओर भरे पड़े हैं मैटर। बट ये जितने भी तरह के मैटर एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तब हम पाते हैं कि इनके बीच में कुछ डिफरेंस है और कुछ सिमिलरिटी भी है। और हम पहले ही से ही जानते हैं ना कि यही डिफरेंस और यही सिमिलरिटी बेस बनता है किसका, क्लासिफिकेशन का। तब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे फिर, यानी कि मैटर जो एग्जिस्ट करे इसको हम क्लासिफाई कर देंगे इम्प्योर में और प्योर में, बांट देंगे उसे हम। हमें यहां तक यह भी समझने को मिल चुका है कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना जिनसे मैटर का फॉर्मेशन होता है, ये पार्टिकल्स अपने साथ कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग यहाँ उन कैरेक्टर्स की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे उन पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स के बारे में जिससे मैटर का निर्माण होता है, या मैटर में जो पार्टिकल्स पाया जाता है हम सिर्फ उसकी बात अभी करने वाले हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं ये अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर के साथ एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग तरह के मैटर में। किसी किसी मैटर में हम देखते हैं कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर, एक ही तरह के शेप, साइज और टेक्सचर के साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो किसी में हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर के साथ एग्जिस्ट करता है। इस बेसिस पर हम यहाँ कह सकते हैं कि मैटर अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसका निर्माण जिस पार्टिकल से हो रहा है, अगर वो पार्टिकल एक मैटर में अलग प्रॉपर्टी के साथ दूसरे में अलग प्रॉपर्टी के साथ है तब तो मैटर भी अलग तरह का हो जाएगा ना एक दूसरे से बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हमारे चारों ओर जितने भी तरह के सर्कमस्टेंसेस, सैकड़ों, हजारों, लाखों तरह के, अगर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तब हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि इनके पास में देखते हैं कि कुछ डिफरेंस होता है और कुछ सिमिलरिटी होता है, ठीक है ना, कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटी होता है। अगर हम इन सिमिलरिटीज को और डिफरेंसेज को अगर हम बेस बना लें तब हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर और इम्प्योर में, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर, सॉयल, सॉल्ट, चॉक और मिल्क, ये अलग अलग कुछ तरह के मैटर हैं। अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तब हम क्या पाते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं ना जो सिर्फ सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें दो या उससे ज्यादा तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल के साथ अगर मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है
तब इसका मतलब यह निकल करके आता है कि उस तरह के मैटर एक साथ एक क्लास में आ जाएंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो अलग क्लास में चला जाएगा, वो अलग ग्रुप में चला जाएगा, यही क्लासिफिकेशन हो गया प्योर और इम्प्योर में। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इफ वी ऑब्जर्व सम सॉल्ट एंड सम सोयल बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास आप जानते हैं, अगर हम उससे स्टडी करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कुछ सॉल्ट और कुछ सोयल को, कैसे करेंगे? आप दो अलग अलग पेपर ले लो, ठीक है, दोनों पेपर पर थोड़ा सा मात्रा में सॉल्ट ले लो, थोड़ा सा मात्रा में सोयल ले लो मिट्टी, उसको फैला दो, उसको स्प्रेड कर दो। अब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लो और लेकर उसको आप देखो, आप उसको देखो, उसको आप ऑब्जॉर्व करो, उसको आप समझने का प्रयास करो, तो जिन पार्टिकल से बना हुआ है ना, वो पार्टिकल कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पाओगे ना क्या कि सॉल्ट जिन पार्टिकल से बना हुआ है ना, वो पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे का है, सिमिलर है शेप साइज और टेक्सचर में। बट अगर हम उसे कंपेयर करें सोयल पार्टिकल्स से, तब क्या देखेंगे कि वो डिफर है ना, उनका यानी कि सोयल जिन पार्टिकल्स से बना है ना, उनका शेप साइज टेक्सचर कलर वगैरह डिफर है, अलग है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस है। सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग तरह के दिख रहे हैं, एक ही तरह के दिख रहे हैं उसके सारे पार्टिकल्स, सोयल जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो बिल्कुल अलग अलग तरह के दिखाई पड़ रहा है। तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स यानी सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है ना, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बना होता है उसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वी कैन डिफाइन इट एज, अब यहाँ पर देखिए आपसे अभी मैंने जो बात किया था उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाया गया है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया प्योर और इम्प्योर के रूप में। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं सॉल्ट और कुछ सोयल को समझने के लिए कि कौन सा प्योर कौन सा इम्प्योर है, मैग्नीफाइंग ग्लास से समझने के लिए, तब हम क्या पाते हैं कि कलर शेप और साइज जो है वो सॉल्ट पार्टिकल का वो सेम है, सॉल्ट पार्टिकल का सेम है, लेकिन बट पार्टिकल जो है सोयल के वो डिफरेंट है कलर शेप और साइज वाले, ठीक है, ये डिफरेंस निकल के आ रहा है। आगे वी कैन डिफाइन इट एज, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्ट में शामिल है सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल, ठीक है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्ट क्या है, प्योर है सॉल्ट, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल प्योर होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सोयल को देखें तो इसमें शामिल है क्ले पार्टिकल, सोयल है ना, क्ले पार्टिकल तो होगा, उसमें कुछ और पार्टिकल्स हैं जो किसी मृत मरे हुए डेड प्लांट्स या किसी प्रकार के इंसेक्ट्स के हो सकते हैं, वडी के, ठीक है, या उसमें किसी और तरह का पार्टिकल भी मिला हो सकता है, यानी हम सवाल में कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम प्योर और इम्प्योर जो है उसको समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, आगे दिया गया आपको प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन दिया गया, उसको सुन लीजिएगा फिर से डेफिनेशन जो है उसका। प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, यानी कि वह सब्सटेंस जिसका फॉर्मेशन निर्माण सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से होता है ना, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के एटम से बना होता है एंड मॉलिक्यूल या एक तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है, उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पार्टिकल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वह सब्सटेंस जिसका निर्माण होता है सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरे वर्ड्स में इसको कहा गया है कि हम वी कैन से दैट द सब्सटेंस, यानी वह सब्सटेंस जो बना हुआ सिर्फ एक ही तरह के यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल से, उसको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक तरह के पार्टिकल, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक तरह के एटम या मॉलिक्यूल, यानी कि पार्टिकल के लिए ही एटम या मॉलिक्यूल यूज किया गया है, क्योंकि बिकॉज पार्टिकल कैन बी एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इसलिए यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस किस तरह से एग्जिस्ट करता है, अब जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सारे प्योर सब्सटेंस हैं, एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ ऐसे विशेषताओं की जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यह प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे बेसिक क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ जो होता है,
अगर हम चाहें इसको देखिएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट प्योर सब्सटेंस इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा यह पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक सब्सटेंस को जो प्योर है उसे दूसरे तरह के मैटर में हम तोड़ सकें, उसको हम डिसोसिएट कर सकें। ठीक है, सेपरेट करना आसान नहीं है, उसको अलग करना आसान नहीं है फिजिकल प्रोसेस से किसी भी प्योर सब्सटेंस को। एक और क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पर, प्योर सब्सटेंस इज प्योर थ्रू इट्स मास। प्योर सब्सटेंस इज प्योर थ्रू इट्स मास, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि फॉर अ प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फिक्स्ड। किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए हम क्या देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो निश्चित होता है, एकदम फिक्स्ड रहता है। जैसे प्योर वाटर का तो पढ़ ही चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना है ना, और आपको ये भी पता है कि अगर इंप्यूरिटी रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो प्योर सब्सटेंस का फिक्स्ड होता है, तो इसका कैरेक्टर है ना, पहला मास को लेकर क्या है वहाँ पर, दूसरा हम क्या देखते हैं कि उसके मतलब कि उसको सेपरेट करने को लेकर है दूसरे तरह के पदार्थ में फिजिकल प्रोसेस जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस को, ये क्या होता है। देखिए इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है ना कि सब्सटेंस विच आर मेडअप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि वह सब्सटेंस जिसका निर्माण होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है दो या दो से ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यानी जो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे ना उसमें दो से ज्यादा तरह के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी कि वैसा सब्सटेंस जिसमें दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस शामिल है उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। वह अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना, वह अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं सॉल्ट वाटर सोल्यूशन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया चीज इसमें है, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट भी है वाटर भी है। ठीक है, सॉल्ट प्योर है वाटर भी प्योर ही होता है सब्सटेंस। अभी तो आपने पढ़ा था ना कि सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जब दोनों को हम साथ ले रहे हैं उसे जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है ना वो क्या है इम्प्योर है। तो आगे आपको दिया गया है इसका एग्जाम्पल कि जितने भी तरह के मिक्सचर होते हैं, अभी जो हम वाटर में जो सॉल्ट को हम डिजोल्व कर रहे थे तो क्या मिक्सचर ही तो बन रहा था ना, जितने भी तरह के मिक्सचर होते हैं ना वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि उसमें एक ज्यादा तरह के सब्सटेंस शामिल होते हैं या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस शामिल होते हैं, जैसे मिल्क स्वेल सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके अलावा पेट्रोलियम गैस ATC, ये बहुत बड़ा इसका हो जाएगा नंबर संख्या फिगर, उसको काउंट नहीं कर पाइएगा, इतने तरह के इम्प्योर सब्सटेंस पाए जाते हैं हमारे चारों। अब मिल्क की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें से। मिल्क में हम क्या देखते हैं, वाटर हो सकता है, फैट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो सकता है, उसमें दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा तरह के उसमें शामिल है मिल्क में, तो क्या होगा इम्प्योर होगा, प्योर तो होगा नहीं, मिल्क इम्प्योर सब्सटेंस में होगा यहाँ पे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला इम्प्योर सब्सटेंस जो है ना ये होमोजेनियस या हेटरोजेनियस हो सकता है नेचर में। इम्प्योर सब्सटेंस होमोजेनियस हो सकता है, हेटरोजेनियस हो सकता है, मतलब कि उस सब्सटेंस का फॉर्मेशन जिन कंपोनेंट से हुआ है ना वो या तो उस पूरे मतलब कि जितना एक बर्तन में अगर हम उस सब्सटेंस को ले रखे हैं तो पूरे बर्तन के हर एक हिस्से में बराबर रूप से दूसरे के साथ घुला मिला रहेगा, या किसी में कम किसी में ज्यादा भी हो सकता है होमोजेनियस या हेटरोजेनियस फॉर्म में। इसके बाद है कि इट इज पॉसिबल टू सेपरेट इम्प्योर सब्सटेंस इनटू अनदर काइंड ऑफ बाई फिजिकल प्रोसेस, या पॉसिबल है कि इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम अभी सॉल्ट वाटर ले रहे थे, अगर हम उसको हीट करते हैं, अगर हम वो इवेपोरेट करवाते हैं वहाँ पर उसको कंटिन्यू, अगर तब क्या होगा वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा लगातार हीट करते करते, सॉल्ट तो रह जाएगा ना, उसी तरह का जो समुद्र का जो पानी है वहाँ से सॉल्ट प्राप्त किया जाता है, तो ये तो फिजिकल प्रोसेस है यहाँ पर जो हम अप्लाई कर रहे थे। इसके बाद क्या देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये फिक्स्ड नहीं होता है इम्प्योर सब्सटेंस के लिए, ये तो आप लोग पहले से भी सुन चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वह सब्सटेंस क्या है इम्प्योर है। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने कौन सा सब्सटेंस प्योर हो सकता है और कौन सा इम्प्योर हो सकता है इसके बारे में सुना और समझा। अब इस बेसिस पर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके आसपास में पाए जाने वाले सब्सटेंस जो होते हैं वो प्योर है या इम्प्योर है। एयर क्या है, वाटर क्या है, स्वेल क्या है, चॉक जैसे लिखने का काम आप करते हो ना वो क्या है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो।
आप देख सकते हो कि कौन सा सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, कौन सा अलग अलग तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। आप यह भी देख सकते हैं कि जैसे सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन जिन पार्टिकल से हुआ था वो सेम कलर टेक्सचर सेम साइज वाले थे। क्या अगर हम शुगर शुगर चीनी को ले लें तब क्या वह भी उसी तरह के पार्टिकल से बने होते हैं जिनका सेम शेप साइज टेक्सचर और कलर होता है, या उनमें कुछ अंतर होता है? हम यहाँ पर यही देख सकते हैं कि अगर सब्सटेंस अगर प्योर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है तब उसको हम आगे कैसे क्लासिफाई करेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि इम्प्योर के रूप में है तब उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्योर सब्सटेंसेस से, तब हम उसको क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस होता है एक दूसरे से, उसके आधार पर उसको हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में बांटते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाते हैं। इसी प्रकार से इंप्योर जो होता है जो इधर आप देख रहे थे ये मिक्सचर में चला जाता है। होमोजेनियस और हेटरोजेनियस मिक्सचर तो आप अभी सुन ही रहे थे, दो तरह का वर्ड अभी टर्म आपने सुना है जो मिक्सचर से ही रिलेटेड है। मतलब साफ जाहिर होता है कि अब यहाँ से हम लोग क्लासिफिकेशन शुरू करने वाले हैं मैटर का, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन के आधार पर क्या है, किससे वो बना हुआ है उस आधार पर हम लोग कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच के डिफरेंसेज को समझेंगे, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, और आज की वीडियो में हम लोगों ने प्योर और इम्प्योर के बारे में समझ रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। यहाँ तक से आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। आज का वीडियो इतने पर मैं खत्म कर रहा हूँ।